HTL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTL TV। आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। इश्क के जुनून में भिवाड़ी की विवाहिता पहुंची सरहद पार। सीमा हैदर के बाद अब अंजू हुई प्यार में गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर संपर्क के बाद युवक नसरुल्लाह से मिलने पहुंची पाकिस्तान। आवारा पशुओं और श्वानों के हवाले हुआ शहर। स्कीम नंबर 1 में पागल श्वान ने 18 लोगों को किया घायल। वहीं 200 फुट रोड पर सांड की टक्कर से नाले में गिरे युवक की गई जान। बरामदा गांव में पागल श्वान ने 3 बच्चों को काटा। सामान्य चिकित्सालय में करवाया गया भर्ती। पुलिस कस्टडी में मौत के विरोध में गोविंदगढ़ थाने पहुंचे सैकड़ों लोग। क्षेत्र के टिकरी गांव के ग्रामीण को हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। धोखाधड़ी के केस में पूछताछ के दौरान मौत के हैं आरोप। नगर परिषद में गरमाई धरने की राजनीति। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने किया अलग अलग आंदोलन। शहर की समस्याओं के उठाए मुद्दे। अपहरण और हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को पकड़ा। राजगढ़ थाने में परिवादी ने करवाई थी रिपोर्ट। जादू टोने के शक में क्षेत्र के खिलाड़ी राम का हुआ था मर्डर। मोबाइल छीनने वाले एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। शहर के कालीमोरी पर की थी वारदात। विवाहिता ने जहरीली दवा का सेवन कर दी जान। ग्राम सालपुरी की निवासी थी मृतका। शिल्प कला एवं माटी बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे अलवर। कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में गहलोत ने किसी को नहीं बख्शा। ATM के जरिए ठगी पर निकाले 25,000। हनुमान सर्कल के समीप सामने आई घटना। दिव्यांग जगत में योगदान के लिए मिला रियल हीरो अवार्ड। जनाना अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रताप सिंह को किया गया सम्मानित। मणिपुर हिंसा के विरोध में शहीद स्मारक पर हुआ प्रदर्शन। अनेक संगठन और रंगकर्मी भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और पूर्व महासचिव अशोक सैनी ने की आलोचना। RR कॉलेज परिसर में स्थापित होंगी पत्थर की बेंच। विद्यार्थियों के लिए बढ़ेगी सुविधा। सामान्य चिकित्सालय में बाइक चोरी के आरोप में एक को पकड़ा। कोतवाली पुलिस के किया हवाले। श्रावण के तीसरे सोमवार पर त्रिपोलिया मंदिर में उमड़े भक्त। भगवान शिव का हुआ रुद्राभिषेक। गोविंद देव मंदिर में शिव महापुराण कथा का हुआ शुभारंभ। साथ ही बजाजा बाजार स्थित मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। बाघ के विचरण के चलते बायोडायवर्सिटी पार्क में बड़ी निगरानी। इस इलाके में कई बार दिख चुका है बाघ। बैडमिंटन टूर्नामेंट में हुए रोमांचक मुकाबले। जय कृष्ण क्लब में जारी है जिला स्तरीय प्रतियोगिता। उद्योग प्रोत्साहन शिविर का 27 जुलाई को होगा आयोजन। राजस्थान वित्त निगम परिसर में लगेगा शिविर। 20 नवजात शिशुओं को बेबी किट किए गए वितरित। प्रयास वीरा केंद्र ने कालाकुआं अस्पताल में किया वितरण। मिरासी महासम्मेलन में अलवर से भी पहुंचे प्रतिनिधि। जयपुर के करबला मैदान में हुआ आयोजन। आनंदम होम संघर्ष समिति ने सुविधाओं के अभाव पर जताया आक्रोश। समस्याओं को लेकर हुई बैठक। भाजपाइयों ने खेल लीगे शक्ति केंद्रों पर लगाए पौधे। देखभाल का भी किया संकल्प। मालाखेड़ा के अभिभाषक संघ ने किया कार्य स्थगन। वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश कौशिक को दी श्रद्धांजलि। पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने गोपालगढ़ में की नुक्कड़ सभाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। ग्राम नगली मुंशी के प्राइमरी स्कूल का हुआ निरीक्षण। जायजा लेने पहुंची मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नाकामी के लगाए आरोप। मालाखेड़ा में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम। अकबरपुर सीनियर स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक की जारी है तैयारी। अनेक स्पर्धाओं में अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। भर्तहरी धाम से लाई झंडा कावड़। उमरैन शिवालय में चढ़ाई। मंगलवार को भंडारे का भी किया गया आयोजन। अकबरपुर में ढीले विद्युत तारों से करंट का बना खतरा।
जोहड़ के समीप के इलाके में नीचे लटक रही है विद्युत लाइन। कठुमर के अंबेडकर पार्क में भाजपा ने दिया धरना, साथ ही सरकार की नाकामी पर फेलियर कार्ड किए गए वितरित। कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी नीतियों का लगाया गया आरोप, भाजपा प्रतापगढ़ मंडल ने चलाया नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। होनहार छात्र ललित किशोर ने जेईई परीक्षा में पाई श्रेष्ठ रैंक, भिवाड़ी के हैं निवासी। तिजारा में प्रतिभाओं का किया गया सम्मान, वहीं भाजपा नेता चंद्रशेखर यादव की टिप्पणी पर रही चर्चा, कहा पहले सरकार बदमाश अफसरों को तिजारा में करती थी पोस्टेड। रैणी तहसील से गोवर्धन के लिए पदयात्रा हुई रवाना, ग्राम भूड़ा में श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत। भिवाड़ी क्षेत्र में विवाहिता से रेप के बाद वीडियो भी किया गया वायरल, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। कठुमर में रोडवेज बस ने वृद्धा की ली जान, बैठने के दौरान अचानक बस चलने से हुआ हादसा। रामगढ़ से खाटू श्याम के लिए पदयात्रा हुई रवाना, छोटी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर दिखाई हरी झंडी। बड़ौदा में कॉलेज में प्रवेश के लिए 26 जुलाई तक होगा सत्यापन, छात्राएं दस्तावेजों के साथ कर सकेंगी संपर्क। बड़ौदा में 25 साल के बाद साफ हुआ रुका हुआ नाला, कस्बे में नहीं हो पाती थी पानी की निकासी। नौरंगाबाद के शिव मंदिर पर हुआ विशाल भंडारा, रागिनी कंपटीशन का भी हुआ आयोजन। भिवाड़ी में रोटरी क्लब पदाधिकारियों ने ली शपथ, क्लब के अनेक वरिष्ठ सदस्य रहे मौजूद। पुलिस लाइन क्षेत्र में पानी का बना संकट, ट्यूबवेल की केबल में बार बार फॉल्ट के चलते नहीं हो पा रही है सप्लाई। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मगर आप देखते रहिए एटीएल टीवी, क्योंकि खबरें हम दिखाते हैं वही जो आपके लिए होती हैं सही। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। बेटी को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, नीविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स के स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती है सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है, खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत एक घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत, और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद,
इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बातिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।